इंदौर में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा बालाघाट से इंदौर पढ़ाई करने के लिए आई थी और इसी दौरान वर्ग विशेष के युवक ने न सिर्फ दोस्ती के जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि वीडियो भी बना लिए जिसे वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसके पहचान का एक व्यक्ति उसे कुछ समय से धमका रहा है और उसके साथ पहले उसने दुष्कर्म किया और उसके कुछ वीडियोस बनाकर उसके धमका रहा था जिसके माध्यम से कुछ पैसे भी मांगे गए उनके द्वारा। तो इस मामले को पंजीबद्ध किया गया है और जाँच जारी है। आरोपी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी और आगे बढ़ाने कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता इंदौर में पढ़ाई करी थी साथ में और इससे पहले वो अन्य जिले में पढ़ाई करी थी जहां उसकी आरोपी के साथ में पहचान हुई थी। सर, कुछ पैसे की डिमांड भी की थी बदमाश द्वारा जिसमें 1.5 लाख रुपए भी दिए गए थे पीड़िता के द्वारा। पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि कुछ पैसों की मांग करी गई थी जिसकी जाँच अभी की जा रही है। इसमें